हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच पी एलाइड सर्विसेज 2019 का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आज हुआ है 7 अप्रैल 2019 को। और गाइस, इस वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसमें हम जिसके क्वेश्चन हैं और आंसर्स हैं वो पूरा बताएंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको क्लियर हो सकें और उनका पता आपको लग सके। और जितने भी मैं आंसर इसमें लगाने वाला हूँ, ये इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है अलाइड सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 की, वहाँ से लगाने वाला हूँ। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और एक बात मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है पार्ट वन है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें मैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और जो नेक्स्ट 101 से लेकर 200 क्वेश्चन हैं उसको मैंने पार्ट टू में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पार्ट वन के बाद जो दूसरा इसका पार्ट टू है वो भी ज़रूर देखें, ताकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके क्लियर हो सकें और सारे आंसर आपको पता लग सकें। और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बात मैं बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये सी सीरीज़ का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर डू प्लांट्स स्टोर रेजिन्स एंड गम्स। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो पौधे हैं रेजिन और गोंद को कहाँ स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर है ओल्ड जाइलम, यानी कि बी ऑप्शन, ओल्ड जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रमुख ड्राइविंग बल क्या है। तो ये होता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट, सॉरी, व्हाट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट। तो इसका आंसर होगा HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, यानी कि सी ऑप्शन, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। फोर्थ क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स वेयर डज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर। तो इसका आंसर होगा ऑल अलोंग द गट, यानी कि ए ऑप्शन, ऑल अलोंग द गट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, Which of the following processes does not involve a chemical reaction? तो इसका आंसर होगा आपके पास melting of candle wax on heating, यानी कि C option, melting of candle wax on heating. Next question है sixth question, What happens when oil and fats are oxidized? तो इस question का आंसर है A option, they become rancid and their taste changes. Next question is seventh question, What product is formed upon burning of magnesium ribbon? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, What is the relationship between the radius of curvature and focal length of the spherical mirrors of small apertures? तो इसका आंसर होगा R is equal to 2F, यानी कि B ऑप्शन जो है इसका आंसर है, R is equal to 2F. Now नाइन्थ क्वेश्चन, The image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size as that of object. The position of the object is, तो जो position होगी object भी object की वो कहाँ पर होगी, at C, C option इसका right answer है, at C. Next question is 10th question, What will happen to a ray after passing through the principal focus of a concave mirror? तो इसका answer होगा A option, it emerges parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी डिस्कवर एंड यूज सत्याग्रह एज अ टेक्निक फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये महात्मा गांधी ने किया था शुरू साउथ अफ्रीका में, तो बी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द मेन पिलर ऑफ कम्युनल हारमोनी? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सर्वधर्म संभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In which one of the following languages was the book Hind Swaraj originally written? तो ये लिखी गई थी गुजराती लैंग्वेज में, ए ऑप्शन, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वॉज नॉट एडिटेड बाय महात्मा गांधी? तो इनमें से न्यू इंडिया जो है ये जर्नल जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा एडिट जो नहीं किया गया था, तो डी ऑप्शन, न्यू इंडिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी अंडरटेक फास्ट अनटू डेथ इन 1932? तो ये इन्होंने किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ए ऑप्शन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज अ मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट बिल्स इन 1919। तो इन्होंने किस दल के अधीन रह के ये किया था, किस संगठन के अधीन रह के किया था? सत्याग्रह सभा, यानी कि बी ऑप्शन सत्याग्रह सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गिव द मंत्रा डू और डाई टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दिया था इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, बी ऑप्शन क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर मी रामा एंड रहीम आर वन एंड द सेम देती। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो किसने जो है, जो कौन सा इवेंट है जो शुरुआत करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? तो ये करता है सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो था, सी ऑप्शन सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस रूलर अमोघ वर्ष बिलोंग। तो ये करते थे राष्ट्रकूटा से बिलोंग, सी ऑप्शन राष्ट्रकूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर नयनार्स एंड अलवर्स। तो ये थे पॉपुलर सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, ए ऑप्शन पॉपुलर सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन एंशियंट स्लैश मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड। तो उनको क्या बोलते थे? नगाड़ा स्टाइल, सी ऑप्शन नगाड़ा स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू चिश्ती सिलसिला। तो इसका आंसर होगा आपका हमीदुद्दीन नगोरी, सी ऑप्शन हमीदुद्दीन नगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द फेमस रूलर शेर शाह सूरी सिचुएटेड। तो ये था ससारम, ससारम डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक्सपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल। तो ये पॉलिसी जो है किस रूलर ने एक्सपाउंड की थी? तो ये की थी अकबर ने, बी ऑप्शन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट गोल गुंबज। तो ये किया था आदिल शाही ने, ए ऑप्शन आदिल शाही ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्म्स द बेसिक टेनेट्स ऑफ वेदांता फिलोसफी। तो ये किया था ब्रह्म सूत्र ऑफ बादरायन, ए ऑप्शन ब्रह्म सूत्र ऑफ बादरायन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्धा चरिता। तो ये लिखा था अश्व घोषा, सी ऑप्शन अश्व घोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने, डी ऑप्शन चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे इन 1857 डिड द सेपॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट मेरठ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर यूरोपियन ऑफिसर्स एट मेरठ कैंटोनमेंट स्पार्किंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये किया था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को किया था ये, डी ऑप्शन है इसका आंसर 10 मई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कॉल्ड द वॉइसराय ऑफ इंडियन सिंस 1858। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास। तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। तो ये की थी बी आर अम्बेडकर जी ने, बी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। तो ये हुई थी 1920 में, ए ऑप्शन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो ये हुआ था 1878 में, यानी कि ए ऑप्शन 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया।
तो इसका हुआ था सर चार्ल्स बुर्स डिस्पैच 1854 में, सी ऑप्शन सर चार्ल्स बुर्स डिस्पैच इन 1854, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द म्यूटिनी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स टेक प्लेस, तो इसका आंसर आपके पास होगा 1946, डी ऑप्शन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1945, तो उसमें नहीं थे मोर्टिमर व्हीलर, ए ऑप्शन मोर्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड डायआरकी इन प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ अ मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू अमंग द स्टेट एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, तो ये हुआ था इनकम डिस्टेंस के लिए, सी ऑप्शन इनकम डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 मेंशनड लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय, तो ये कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, आर नेल्सन, ए ऑप्शन आर नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ नवंबर 2018 इंडिया इम्प्रूव्ड इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाई, तो कितनी इनकी जो है रैंकिंग सुधरी है, ये सुधरी है 23 पोजीशन, बी ऑप्शन 23 पोजीशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंडिसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो इट, पहला है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तीसरा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो इसमें जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है सी ऑप्शन, जिसमें थर्ड पहले है, दूसरे नंबर पे एक है और तीसरे नंबर पे दूसरा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट मैच्ड करेक्टली, तो इसमें जो है सही आंसर है ए ऑप्शन ओनली वन, यानी कि 13th फाइनेंस कमीशन सी रंगराजन जो है इसमें करेक्टली मैच नहीं होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है ओनली वन। नेक्स्ट इज राइज इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है हायर एजुकेशन से, ए ऑप्शन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज आर कंडक्टेड बाई सी एस ओ के द्वारा कौन कौन से जो सर्वे हैं वो कंडक्ट करवाए गए हैं, तो इन चार ऑप्शन में से इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, जिसमें 2, 3 और 4 बताया हुआ है, यानी कि 2, 3 एंड 4 ये जो सर्वेज हैं ये CSO के द्वारा करवाए गए हैं, तो बी ऑप्शन 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेजर्स एज लिस्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 टू बी करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंग, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 1, 2 एंड 4, तो इस स्टेटमेंट में से पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, तो इसमें आपको कंसीडर करनी है दो स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, अब बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सी इन दोनों में से सही है, तो ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रीसेंट अमेंडमेंट टू MSMED एक्ट 2006, तो इसके अकॉर्डिंग जो है MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग इन दो स्टेटमेंट्स में से इसके साथ रिलेट कौन सी करती है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो रिलेट करती है इस एक्ट के साथ, यानी कि आपकी ए ऑप्शन ओनली वन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट, तो गैलेक्सीज जो अप्रॉक्सीमेटली हैं वो 100 बिलियन है, यानी कि ए ऑप्शन 100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो जुपिटर के लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, तो ए ऑप्शन जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, एस्ट्रॉइड किसके बीच में पाए जाते हैं, जुपिटर और सैटर्न के बीच में, बी ऑप्शन जुपिटर एंड सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑल मेटेरॉइड्स फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ऐश, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टाइम ऑफ 45 डिग्रीज वेस्ट इफ इट इज 4 पीएम एट 45 डिग्री ईस्ट, तो इसका आंसर होगा 10 AM, यानी कि डी ऑप्शन 10 AM।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द सेंटेंस गिव मी द मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट, तो ये कहा था कैंट ने, सी ऑप्शन कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल वॉज डेवेलप्ड बाय, तो ये कंसेप्ट जो है बेस लेवल का ये दिया गया था पॉवेल JW के द्वारा, तो सी ऑप्शन पॉवेल कॉमा JW। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, तो इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है, तो वो है सी ऑप्शन डोलोमाइट, सी ऑप्शन डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी ऑफ मरमरा ज्वाइंस द, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ब्लैक सी विद एगियन सी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोल्ड्स इन द माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ, तो ये रिजल्ट होता है कंप्रेशनल फोर्स का, ए ऑप्शन कंप्रेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज एट, तो ये है न्यू दिल्ली में, सी ऑप्शन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, तो ये लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से, यानी कि डी ऑप्शन फ्रेंच इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वेयर एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, तो ये बनाया गया था 2005 में, सो बी ऑप्शन 2005 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, यानी कि अंडर वाटर लैंडस्लाइड से भी आता है, अर्थक्वेक से भी आता है और वोल्केनिक इरप्शन से भी सुनामी आता है, तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हैजर्ड, तो अर्थक्वेक भी है, साइक्लोन भी है, लैंडस्लाइड सारे जो हैं वो नेचुरल हैजर्ड हैं, तो ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक, तो 59% लैंड जो है अर्थ की वो प्रोन टू लैंड अर्थक्वेक्स हैं, तो 59% ऑफ इंडियन लैंड इज, सो 68th क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, तो इसका आंसर है 59, तो बी ऑप्शन 59% जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावरफुल सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किया जाता है अर्थक्वेक के द्वारा, डी ऑप्शन अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70th क्वेश्चन लैंडस्लाइड्स अगर ड्यू टू, तो लैंडस्लाइड होते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की वजह से, स्टीप स्लोप्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की भी वजह से, तो सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक दैट क्वेश्चनड यूज ऑफ DDT एंड लेड टू द स्टडी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज टाइटल्ड, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है द साइलेंट स्प्रिंग, डी ऑप्शन द साइलेंट स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये बनाया जाता है फरवरी 2 को, बी ऑप्शन 2 फरवरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज गिवन इन द ईयर, तो ये दिया गया था 1972 में, सी ऑप्शन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन GPS स्टैंड्स फॉर, तो GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी ऑप्शन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड ब्लोज बिकेज ऑफ डिफरेंसेज इन, तो टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है तब विंड ब्लो करती है, ए ऑप्शन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मैक्सिमम एनर्जी, तो हुरिकेन जो है इसका सही आंसर है ए ऑप्शन हुरिकेन। NGT की फुल फॉर्म क्या होती है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स रिलीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफेयर, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन डाइऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग सेवरल नेचुरल हैजर्ड्स विच वन इज नोन एज साइलेंट किलर, तो इन ऑप्शंस में से नॉइस जो है इसका सही आंसर है बी ऑप्शन नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेजर बायोस्फीयर्स आइडेंटिफाइड बाय मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी इन इंडिया आर, तो ये है 13, सी ऑप्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स इन शिमला वर द लोकल, तो ये थे न्यूज़पेपर, बी ऑप्शन न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइसरेगल लॉज एट शिमला, तो ये बनाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ए ऑप्शन लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, तो ये लिखी गई थी बुक YS परमार जी के द्वारा, बी ऑप्शन YS परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द स्टेट इज द फर्स्ट टू यूज ग्रीन फ्यूल,
तो ये किया गया था ताहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा, बी ऑप्शन ताहलीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ एचपी अंडर टी प्रोडक्शन इन 2016-17। तो इसका है ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन 2310 हेक्टेयर, 2310 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स इन एचपी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि जीओडी, श्रोल, ताल एंड कराचम, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एचपी हैज एस्टेब्लिश्ड हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एट। तो ये बनाया गया था लाहौल स्पीति के लारी में, सी ऑप्शन लारी इन लाहौल एंड स्पीति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फंडिंग सॉरी व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो इसका फंडिंग पैटर्न था 90% सेंट्रल स्टेट देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट। तो ए ऑप्शन 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल अप्रूव्ड प्लान आउटले फॉर ट्रांसपोर्ट इन द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। सो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन 1073 करोड़, 1073 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट फ्रूट क्रॉप्स स्पेशली एप्पल फ्रॉम हेल स्टॉर्म्स What percentage of subsidy on anti-hail nets was provided by the state government during the year 2017-18? तो ये करवाई गई थी 80%, 80% डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन एच पी एंड इट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो फॉरेस्ट कवर कितना है एच पी में और ये कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है घेरता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है 37,033 स्क्वेयर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट कवर है और ये परसेंटेज है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की 66.52%। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड्स लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स वाज वंस नोन एज। तो इसे कहा जाता था भृगु तुंग, सी ऑप्शन भृगु तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मोक फ्री कंप्लायंस ऑफ एचपी एज पर द ज्वाइंट रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ आईजीएमसी एंड पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ऑफ एच पी यूनिवर्सिटी। तो कितना परसेंटेज है स्मोक फ्री कंप्लायंस ऑफ एच पी का, वो है 85.42%, 85.42%, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास लाइज एट द हेड ऑफ द बसपा वैली। तो इसका आंसर है चुंग शिकागो पास, बी ऑप्शन चुंग शिकागो पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ सोरोज बाय द लोकल पीपल बिकॉज ऑफ इट्स रेकरिंग कोलोसल डैमेज टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये किसे कहा जाता था, ये कहा जाता है स्वान रिवर को, बी ऑप्शन स्वान रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज मर्ज्ड विद द एच पी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। तो ये कहा जाता है ज्वाइंट स्टॉक बैंक जो था उसको मर्ज किया गया था कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ। तो सी ऑप्शन ज्वाइंट स्टॉक बैंक, दैट इज द बैंक ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ हिमाचल्स फर्स्ट वर्ड रिंगिंग स्टेशन एट साल रोपा। तो वो कौन थे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है फ्रांसिस बुनर एंड टी एच वॉकर, डी ऑप्शन फ्रांसिस बुनर एंड टी एच वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी लेक जो है वो चंबा में स्थित नहीं है, वो है सोरांग, बी ऑप्शन सोरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किन्नौर। तो इनमें से जो खाम है, जो सी ऑप्शन खाम है, ये किन्नौर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन, द भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज भुटिको वॉज फॉर्म्ड एट शामसी इन विच ईयर। तो इसे जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1944 में, 1944, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। सो गाइज ये था पार्ट वन इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हमने 1 से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो क्लियर हो गए होंगे और सारा आपको डिटेल में पता लग चुका होगा जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी तक दी आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसका पार्ट टू ज़रूर देखें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।